हेलो, तो गेम जोन में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो आज जो गेम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये है टाइनी किंगडम। ये अभी मैंने लेटेस्ट ही गेम की है। इसका फ़ाइट करने का तरीका जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, यानी आसान ही है इसको फ़ाइट करने का तरीका। तो मैं दिखा भी देता हूँ इसको फ़ाइट करने का तरीका क्या है। थोड़ा सा लोड के अंदर ये थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, क्योंकि इसकी रैम जो है वो थोड़ी है, 2 GB है। 4 GB होनी चाहिए आपके पास तो ये गेम बड़ी फास्ट चलेगी और स्मूथ चलेगी। और अगर स्क्रीन बड़ी है आपके मोबाइल की तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल इसके अंदर भी गुजारे लायक आपके लिए चल जाएगी, थोड़ा फंसेगी लेकिन चल जाएगी इसके अंदर। तो इसकी लोडिंग जो है ये 100% हो गई है। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखें फाइट का बटन दबा रहे हैं, ये फाइट दबा लेते हैं इधर से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शन है ना, यहाँ 11 बंदे निकालने हैं। फटाफट आपने सबसे पहले 11 बंदे निकाल देने हैं इसको ऑप्शन को क्लिक करके। यहाँ नीचे 11 लिखा होगा, तलवार लेके बंदा खड़ा होगा। तो ये मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी पहले निकाल लिया, इसलिए ये दोबारा रीट्राई करूँगा। तो अभी मैं नहीं निकालूँगा, जब वो यहाँ मेरे कैसल तक पहुँच जाएंगे फिर। तो अब कैसल तक पहुँच गए, अब मैंने निकाले हैं तो अब मुझे इसका फ़ायदा होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले निकाल दिए थे तो वो उसमें नुकसान था। अब ये मेरा पहला राउंड जो है ये पार हुआ है। देखा, इसको एक टेक्निक के साथ आप करेंगे तो आपका राउंड जो है बहुत आसानी पार होता रहेगा इसके अंदर। अब ट्रूप्स को कह रहे हैं अपग्रेड करो, तो मैंने ज़्यादा अपग्रेड कर दिया इसको, थोड़ा और अपग्रेड कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा अपग्रेड हो गया, रेटिंग्स बढ़ गई हैं इसकी। और नई किस्म की तलवार है ये, तो अब हैं 4 लेकिन ज़्यादा हैवी हैं। तो एक एक बंदा, कई कई उनके बंदे जो है ना उनको पकड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं इस वजह से इनकी हेल्थ भी नहीं जाती इतनी ज़्यादा, और ये आगे का जो है उनको ख़त्म कर देता है, यानी कि जो आगे से एनिमीज आ रही होती हैं उनको। अब इसमें तीर कमान वाला भी मिल गया मुझे, तो ये उसको भी मैंने अपग्रेड कर लिया। अब देखते हैं क्या फ़ायदा होगा। तो वो तीर कमान से मार रहे हैं और ये तलवारों से। आगे की एनमी ज़्यादा है फिर भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो मुझे ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि एनमी जो है इनकी एनमीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैवी हो चुकी हैं। अब एनमीज़ को और अपग्रेड करते हैं, अब देखते हैं कि मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं। तो ये इस दफ़ा एनमी कुछ ज़्यादा अपग्रेड थी, इस वजह से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मुझे, और जो मेरे तीर कमान वाले थे वो जल्दी हारे नहीं। तो ये मुझे कुछ और मिला है, कॉइन्स मेरे काफ़ी इकट्ठे हो गए। तो अब मैं इसको और अपग्रेड करता हूँ, इसको भी कर लेते हैं। तो ये मैंने डबल अपग्रेड कर लिया इसको, अब फाइट करते हैं। अब वो घोड़े 3 हो गए हैं। तो ये बड़ी सी जो चमगादड़, इसको नहीं पहुंचने देना अपने कैसल तक। तो इसको हमने गिरा दिया, क्योंकि अपग्रेड किया हुआ था, पावर ज़्यादा थी,
इसलिए मैं आगे एनमी का मुकाबला कर सकूँ। तो इसको और अपग्रेड कर लेते हैं। तो देखते हैं अब क्या पावर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंदे निकल रहे हैं। अभी उन्होंने दस्ती अगला महल उड़ा दिया। तो ये राउंड भी मैं जीत चुका हूँ। तो ये गेम काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, अगर आपको ये गेम पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इससे फ्यूचर नोटिफिकेशन बआसानी मिल जाएगी, और अगर नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।